अस्पताल के बेड पर लेटे ये मरीज डेंगू से पीड़ित हैं। देवभूमि उत्तराखंड डेंगू की चपेट में है। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राजधानी देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या 700 का आंकड़ा पार कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शहर में बढ़ती हुई डेंगू की जो जितनी संख्याएं हैं और जिनसे मौत हो रही है, उसमें स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से विफल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, और इसमें किस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी नाकामयाबियां जो हैं वो झलकती हैं। अभी हम लोगों ने दून जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल से भी मुलाकात की थी लास्ट वीक, मिस्टर डॉक्टर स्याना से। उन्हें अपनी जितनी भी प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं दून हॉस्पिटल में, उससे अवगत कराया था। बट उस बात को भी एक हफ्ता हो गया है और कोई भी इम्प्रूवमेंट उस मैटर में नहीं है। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है और डेंगू से निपटने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। R9 TV के लिए देहरादून से प्रतीक की रिपोर्ट।